AIMAI एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने गुरुग्राम में अपना पहला स्थापना दिवस वर्षगांठ समारोह और वार्षिक आम बैठक 2024 सफलतापूर्वक आयोजित की। इस भव्य कार्यक्रम में भारत भर से 230 से अधिक एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन प्लांट मालिकों की उपस्थिति देखी गई, जिसने AIMAI की राष्ट्रव्यापी उपस्थिति को प्रदर्शित किया। इस विशाल उपस्थिति में हिंडाको ग्रुप, वेदांता ग्रुप, विशाखा ग्रुप, अदानी ग्लोबल ग्रुप, सेंचुरी ग्रुप और एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन उद्योग के कई अन्य प्रमुख खिलाड़ी जैसे विश्व प्रसिद्ध नाम शामिल थे। वार्षिकोत्सव और वार्षिक आम बैठक में सांसद प्रवीण खंडेलवाल, लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष घनश्याम ओझा, हिंडाको समूह के नीलेश कौल और वेदांता समूह के CEO सुनील गुप्ता की गरिमामयी उपस्थिति रही। जिस तरीके से आज एक कार्यक्रम किया है और इतने सारे लोगों को इस इंडस्ट्री में एक साथ यहाँ पे कलेक्ट किया है, ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे ये इंडस्ट्री कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती है विकसित भारत के लिए, बहुत ही अच्छे अरेंजमेंट्स, बहुत ही अच्छे आइडियाज़ इसमें डिस्कस हुए हैं। और मुझे लगता है कि ये विकसित भारत बनाने के लिए और इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल सप्लाई चेन्स के लिए बहुत अच्छा स्टेप है और आगे जाके सफलता के ऊपर पांव रख के ही हम आगे चलेंगे। और आगे हम अपनी सरकार से बात करके अपने हिसाब से कई नीतियाँ बनवाएंगे, उनको बताया जाएगा हम कहाँ में तकलीफ में क्या ठीक कर सकते हैं, तो ये सब काम किया गया। 2025 में हम एक बहुत बड़ी एक्सपोजिशन का आयोजन करेंगे प्रगति मैदान, जहाँ पे हमारा एम रहेगा इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन, मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। तो हमारा मोटो है मेक इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड। मैं जितेंद्र चोपड़ा, मैं LMI एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिस कार्यक्रम का आज यहाँ पे कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन और हमारा फर्स्ट 1 ईयर सेलिब्रेशन चल रहा है, पूरा हुआ एक साल इस एसोसिएशन को बने हुए। और LMI एक ऐसा एसोसिएशन है जिसके अंदर अल्ट्रा मेगा कंपनी जिनको बोलते हैं हिंडाल्को, वेदांता आर और मेंबर एंड एसोसिएट एंड अदर देन दिस स्मॉल प्लांट्स, MSME माइनर ऑन MSME आल्सो आवर मेंबर। सो दिस इज द ओनली एसोसिएशन विच इज हैंडलिंग प्राइमरी द बिग प्लेयर्स, सेकेंडरी द माइनर प्लेयर्स। सो LMI सक्सेस मंत्र इज टुगेदर वी ऑल ग्रो, हिंडाल्को भी ग्रो करे, वेदांता भी करे, लेकिन उनको हमको चांस ये देना है कि हम भी ग्रो करें तो भारत ग्रो। सर, जिस तरीके से एक साल का सफ़र अभी तक में कितनी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहा है आप लोगों के लिए, तमाम आप लोग इतने ब्रांडेड लोग भी जुड़े हुए हैं, अब आने वाले दिनों में आप LMI को कहाँ देखना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से बजट में बात की गई थी एल्यूमिनियम की लेकर, जिसमें इससे पता चल जाती है कि फर्स्ट टाइम रूलिंग पार्टी के मैनिफेस्टो में एल्यूमिनियम मेटल के बारे में लिखा गया है। और ये ऐसा मेटल है जो लाइट वेट है, कंडक्टेबल है, बेंडेबल है, हर तरीके से ये मेटल हर चीज़ की पूर्ति करता है। और इस मेटल को भारत सरकार के सहयोग, सरकार की इतनी ही ज़रूरत है जितनी हम लोगों को खुद को है। आने वाला ये जो एक साल था वो हमारे लिए चैलेंजिंग इसलिए था कि हमारे ऊपर QCO BIS का इम्प्लीमेंटेशन आ रहा है, कुछ GST के इश्यूज है, कुछ सिर्फ मेरा नहीं बोलता, मैं LMI का पूरा जोड़ के बोलता हूँ कि हम अब अकेले नहीं, पूरे LMI हमारे साथ में है। तो आप ये समझ लो कि वेदांता जो 60% एल्यूमिनियम करता है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर और हम सेकेंडरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी दैट में हम लोग एक्सट्रूशन बनाते हैं, वेदांता एक्सट्रूशन नहीं बना रहा। हमारा रॉ मटेरियल हम लोग वेदांता से लेते हैं, हिंडाल्को से लेते हैं, मालको से लेते हैं। तो उनका बोलने का मतलब जो 60% था वो प्राइमरी प्रोडक्शन। घनश्याम ओझा, अखिल भारतीय अध्यक्ष लघु उद्योग पार्टी। सर, जिस तरीके से LMI को आज पूरे एक साल हो, बेरोजगारी की बहुत चर्चा होती है, लेकिन सही मायने में बेरोजगारी देश में नहीं के बराबर है। आज किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में आप जाइए, जाकर विजिट कीजिए, हर फैक्ट्री के बारे में रिपोर्ट मिलेगा, स्किल लेबर चाहिए, वेंडर चाहिए, फीचर चाहिए, इलेक्ट्रिसन चाहिए, इसका मतलब बेरोजगारी नहीं है। लेकिन ये कुछ सही बात है कि जैसे आदमी को रोजगार चाहिए, उसके मन पसंद का रोजगार, उसके मन मापी का रोजगार उसको नहीं मिल रहा है, इसलिए उसको अपना वो बेरोजगार मानता है। सर, प्रधानमंत्री जी का लोकल प्रोडक्ट वोकल जिन्होंने दिया था, उसके तहत जो लघु उद्योग उनको बढ़ावा मिला क्या?
ग्रेट प्रसिद्ध है उसके अंदर सरसों में लुकुजु भाटा लुकुजु की स्टैंड बहुत बड़ी है आज लगभग छः बाद से मई का टीचर रूम है सर। अगर हम गवर्नमेंट की फंड की बात करें आप लोगों को कितना मतलब गवर्नमेंट इस सब चीज़ों में फंड्स दे रही है ऑलमोस्ट all aluminium extrusion together to develop our Indian business and put on the international market. Sir, India किस तरह से आगे बढ़ेगा aluminium और बात करें तो China हमसे first number पर हम second number पर आते हैं। हमने 3.7 billion जो है इसको export किया है। आने वाले time में क्या हम इसको बढ़ा सकते हैं? हम China को compete करने के लिए ready हो रहे हैं। And our government is supporting too much in this sector. They are putting the anti-dumping, they are putting some restriction on Chinese material. Also support by other nations like the EU nations and USA, all are getting together to develop the India. China One policy, China One Plus policy के अंदर हम सब इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मैं भी जानता हूँ कि मैं के लिए काम करता हूँ। मैं वहाँ सेल्स एंड मार्केटिंग की टीम हूँ। दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है। आज हम करीब 7 लाख टन बिलेट बनाते हैं। हमारा जो प्लान है वो 12 लाख टन मैन्युफैक्चरिंग बनाने का है। एट 12 लाख वी विल बी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वन द लार्जेस्ट बिलेट प्रोड्यूसर्स और इंडिया जो है इस वक्त वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। अभी जिस लोग सरकार के तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं जो हम पिछले 3-4 साल में देख रहे हैं इंडिया में गजब का ग्रोथ हो रहा है। 14% CAGR से ग्रोथ हो रहा है और ये आने वाले कई सालों तक ये चलता रहेगा। तो इंडियन एक्सट्रूजन इंडस्ट्री में एक बहुत ज़रूरत है कि ये सारे स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म में लाया जाए जहाँ पे कैसे अपने गुणवत्ता को आगे बढ़ाएं, कैसे हम नई नई प्रोडक्ट को बनाएँ, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले, वो एक ज़रूरत थी। इसलिए एलएमआई जो उठाई ने ये कदम उठाया सारे स्टूडेंट को सामने एक साथ जोड़ने की एक पहली उठाई। हमारे लिए ये नेचुरल था कि हम इंडिया की सबसे बड़ी मिलेट कंपनी और इंडिया की सबसे बड़ी मिलेट कंपनी बनाने वाले हैं, एक बहुत बड़े भागीदार हैं और हम एक मेजर रॉ मटेरियल सप्लायर हैं। ये जब सुझाव आया कि हम साथ जुड़ें और एक अलमाए को एक सक्सेसफुल मंच बनाए जिसमें सारे लोग आ सकें और साथ काम कर सकें तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी क्योंकि हम भी यही चाहते थे कि इंडिया में कंजम्पशन बढ़े, इंडियन ग्रोथ बढ़े और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बढ़े। सर, अगर अपकमिंग प्लान्स की बात करें तो इस चीज़ को आप कहाँ तक आगे देखना चाहते हैं? बिकॉज अगर हम अपनी यूथ अमेरिका के रोज़गार को लेकर है तो अपनी हम यूथ एम्प्लॉयमेंट को लेकर अगर बात करें तो इस चीज़ को आप कहाँ तक आगे देखना चाहते हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा, ये इंडिया का दशक ही नहीं, ये इंडिया का सेंचुरी है। ऐसा दुनिया के सारे जो अर्थशास्त्री हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनका मानना है कि आने वाला समय जो है इंडिया का ही है। लेकिन ये अब हमारे ऊपर है कि इंडिया को कैसे उस लेवल तक लेके जाएं। ये बॉक्साइट इसका रॉ मटेरियल होता है, बॉक्साइट जो कि आपका उड़ीसा और झारखंड स्टेट में सबसे ज़्यादा है। चैलेंजेस नहीं बोलूँगा, ये उसका दोहन करना एक अपने आप में बड़ा काम है। बट जिस तरह से का गवर्नमेंट का सपोर्ट है, भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट है, उसमें ऐसा कोई चैलेंज नहीं बनता। उसको पूरा सपोर्ट मिलता है, इसलिए हम लोग बॉक्साइट का दोहन कर सकते हैं। सर, भारत सरकार की तरफ से किस तरह का प्रॉफिट दिया जाता है इस मार्केट को बढ़ाने के लिए? देखिए, हम लोग को नई वेदांता हम लोग को बिल्डिंग में हमको इंडस्ट्री लगाने में हर तरह का सिंगल को सी सब तरह का सिंगल भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है। पर मैं जब LMI में आया, LMI जो कि एक्सट्रूशन यूनिट की सबसे बड़ा एक ऑर्गेनाइज्ड लेकिन का सेक्टर है, उसमें जब मैं देखता हूँ कि भारत सरकार MSME को डेवलप करने के लिए उनको बहुत अच्छे से सहयोग करते हैं और ये एक समय है कि जब हम लोग प्राइमरी प्रोडक्ट बनाते हैं बड़े ग्रुप वेदांत जैसे ग्रुप को,
और जो एमएसएमईज है उसको डाउन स्ट्रीम में सेकेंडरी प्रोडक्ट बनाते हैं। एनबीसी न्यूज के लिए गुरुग्राम से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।